तुम सुबह सुबह उठ करके ये 500 प्राणायाम किया करो, अब कंपलसरी है सबके लिए। करो, लंबा भरो, चेहरा नहीं बिगाड़ना, ऐसे नहीं करना। ऐसे नहीं करना, चेहरा नहीं बिगाड़ना, ऐसे जोर से। और कुछ तो कंधे बहुत जोर से हिलाते हैं, इतनी जोर से भी मत करना ऐसे। और किसी में ज्यादा ही ताकत हो तो, ज्यादा जवानी उमड़ रही हो ना, तो ऐसे करना, देखो ऐसे। अरे 2 मिनट ऐसे करने से ना पूरा पसीना आ जाता है, पूरे शरीर में गर्मी आ जाती है, ताकत आ जाती है। इससे ब्रेस्ट, पूरा बॉडी, पंच तत्व, पंच कोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेन्द्रिया, अंतःकरण, चतुष्ट, अष्ट चक्र, नौ द्वार, 72,72,10,201 नाड़ियां, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, जागृत स्वप्न सुसुप्त तुरी अवस्था, ये सारी चीजें ठीक हो जाती है एक प्राणायाम से। कितनी देर करना? 2 से 5 मिनट। सर्दी, जुकाम, काफ, एलर्जी, नजला, सब गायब। अरे एक चीज और होती है आजकल, एलर्जी। ये भी बड़ी बीमारी है। क्या है बोलो? एलर्जी। ये एलर्जी दो तरह की, एक तो ये सांस की एलर्जी, श्वास की, और दूसरा खाने पीने की चीजों की एलर्जी। किसी को तो ग्लूटन की भी एलर्जी होती है, ग्लूटन, फिर ग्लूटन फ्री उनको चीजें देनी पड़ती हैं खाने पीने की। किसी को नींबू की, किसी को संतरे की, किसी को बेसन की, किसी को गेहूं की, अलग अलग चीजों की एलर्जी। तो कपाल, एक को तो दूध घी की एलर्जी। और आपको सबको बोल रहा हूं, जिसको भी कोई भी चीज खाने पीने की एलर्जी हो, श्वास की एलर्जी तो भस्त्रिका और अनुलोम विलोम से दूर हो जाएगी, जो सर्दी का अपना जला धुएं, धूल से, धुएं से, किसी भी चीज से होती है। खाने पीने की चीजों की एलर्जी होती है। कपाल भाती और गिलोय, वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस, एंटी एलर्जी है। गिलोय गुड़वेल, समझ गए ना? गुड़वेल अमृता, गुड़ुची गड़ो, कपाल भाती करो, ये तो बहुत जरूरी है। आजकल ये हालात हो गई है, करीब करीब 30-40%, कहीं कहीं तो 50% लेडीज को यूट्रस निकलवाना पड़ता है कि नहीं बोलो? यूट्रस में क्या हो जाती है? सिस्ट, बोलो, होती है कि नहीं होती? ये कपाल भाती नहीं करोगी तो सबके यूट्रस में सिस्ट होने वाली है। या तो कर ले, या तो करेगी, नहीं तो मरेगी। सुन लो, ये यूट्रस के फाइब्रोस 3 महीने में ठीक हो जाते हैं बहनों, सुन लो। और यदि किसी को बहुत मोटे मोटे हो तो 6 महीने में, और पूरा भरा हुआ हो यूट्रस ओवरी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो, तो 9 महीने में तो 100% कंप्लीट। वैसे 6 महीने से ज्यादा किसी को समय नहीं लगता, 3 महीने में नॉर्मल और 6 महीने में क्रिटिकल गांठें सिस्ट डिजोल्व हो जाती हैं, पक्का। कपाल भाती को इतने फायदे हैं, कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन की डेफिशिएंसी, गांठें, महावारी की समस्या, मेनोपोज की समस्या, माताओं बहनों को तो रामबाण है। और फिर ये किया करो, देखो ऐसे पैर खोलो, ये 5 मिनट ये कर लिया करो ऐसे ऐसे, ये बहुत अच्छा है यूट्रस के लिए, प्रोस्टेट के लिए, पुरुषों के, माताओं के यूट्रस के लिए, पेट के लिए। 5 मिनट ये कर लो और 15 मिनट कपाल भाती कर लो, जिंदगी में कोई समस्या ही नहीं होगी तुमको, है ना? ये 5 मिनट तो ये कर लेना ऐसे, तो ये पेट ना एकदम हल्का हो जाता है इससे। और फिर ऐसे भी कर लो थोड़ा सा, तो इससे ना पेट एकदम हल्का हो जाएगा। फिर कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, गले, थायराइड के लिए उज्जाई, भर के रोक के रखना थोड़ी देर, दाएं को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ना, फिर अनुलोम विलोम,
शांति से सुनो, ये 5 मिनट 10 मिनट धीरे धीरे बढ़ाना, फिर भ्रामरी। सब बैठो, एक बार सीधी बैठो सभी, एकदम देखना मन लग जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, भगवान में मन लगेगा, शांत चित्त, प्रशांत चित्त, कान बंद करके, मुख बंद करके ऐसे नाद करना, एकदम मन को खुशी मिलेगी, सारा तनाव गायब हो जाएगा, सारा स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स। ऐसे 3-5 बार ऐसे कर लेना, फिर लंबा गहरा श्वास भरिए। ओ लंबा गहरा श्वास भर के ओम बोलना मुख से, उद्गीत प्राणायाम। ओ सांसों पर मन को टिका के, जो मैंने प्रारंभ में आपसे कहा था, ओंकार का जप, गायत्री का जप, मन ही मन ओ, ओ मन ही मन सांस लिया, तब मन ही मन गायत्री का जप किया। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदया। ऐसे शांत होकर के, मौन होकर मन ही मन जप करना, या बोल के भी कर सकते हैं, जिनको बोलने का अभ्यास हो, बोल के जप करना, ये वाचिक जप होता है, ओष्ठ ले बाहर आवाज ना, इसको उपांशु जप कहते हैं। फिर मन ही मन जप करना, इसको मानसिक जप कहते हैं। फिर अपने आप अंदर से जप होने लगता है, अजपा जप, भगवान में ही प्रतिष्ठित होते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों ओर एक ही ब्रह्म द्वय, ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म, ब्रह्मयुदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रस्थितं ब्रह्मैव इदम विश्वम इदम वरिष्ठम ईशावास्यमिदम। ऐसे श्वासों के साथ ओंकार का, गायत्री का जप करना, थोड़ी देर मन ही मन ध्यान करना, दोनों हाथ उठाना और फिर दोनों हाथों की गर्म गर्म अतिरिक्त ऊर्जा को स्मा का अंजन आंखों पर करना, आंखें खोलना। देखो ये इतना प्राणायाम तो सब माँ बहन बेटियों को करना है, ये 5 प्राणायाम तो सबको करने हैं।